जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फरवरी महीने का करंट अफेयर्स देखेंगे पार्ट वन, और ये जो क्वेश्चन है सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक करके हर अपडेट का फ़ायदा उठाएं। ज़्यादा टाइम न लेते हुए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ये है, इसका एक है सर्वाधिक स्वर्ण पदक हरियाणा ने जीता, दो है सर्वाधिक पदक महाराष्ट्र ने जीता, तीन है इसका आयोजन दिल्ली में हुआ। विपत्ति में से कौन सा कथन सत्य है? ये केवल एक या दो सही है, बी दो या तीन सही है, सी एक या तीन सही है, चार एक दो तीन सही है। तो जो इसका सही आंसर है वो है चार या डी, डी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने निम्नलिखित में से किसे संगठन की प्रथम महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ए है किरण मजूमदार साहब, बी है इंदिरा नुई, सी है चंद्रा कोचर, डी है अनुदी भट्टाचार्य। तो जिसका सही आंसर है वो है बी इंदिरा नुई। क्वेश्चन नंबर तीन है, प्रोजेक्ट को किस संस्थान द्वारा आयोजित आरंभ किया गया है? इसके ऑप्शन है ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा, बी संगीत नाट्य अकादमी, सी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा, या डी भारतीय खाद्य एवं सुरक्षा परिषद द्वारा प्राधिकरण द्वारा। जो इसका सही आंसर है वो है डी भारतीय खाद्य एवं सुरक्षा प्राधिकरण, जिसको FSSAI भी बोलते हैं, सॉरी FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमेरिकी सांसद ने लगातार 8 घंटों तक भाषण देने का रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन ये है नैन्सी पेलोसी, बी है जॉन कार्निन, सी है कारी गार्डनर, डी है किथ डर्विन। तो जो सही आंसर इसका वो है ये नैन्सी पेलोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने विगत दशकों में चर्चों और अन्य संस्थाओं में बाल लैंगिक दुर्व्यवहार के लिए पीड़ितों से सार्वजनिक माफी मांगने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन है इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड या डी ऑस्ट्रेलिया। तो जो इसका सही आंसर है वो है डी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने 9 फरवरी 2018 को ऑपरेशन सिनाई 2018 आरंभ किया? ऑप्शन है इसके ए इजराइल, बी सीरिया, सी तुर्की, डी मिस्र। जो सही आंसर है वो है बी मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस कंपनी ने अपने 12 वर्षों के इतिहास में पहली बार लाभ अर्जित किया? ए फेसबुक, बी ट्विटर, सी स्पेसएक्स, डी व्हाट्सएप। तो सही आंसर वो है दोस्तों ट्विटर, बी है ट्विटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 200 विकेट लेने वाली प्रथम महिला गेंदबाज कौन है? इसके जो ऑप्शन है एमकॉप, बी है एस आर टेलर, सी है सानामी, डी है झूलन गोस्वामी। तो जो सही आंसर है वो है डी झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी ने 9 फरवरी 2018 को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली? ऑप्शन ये है मणिपुर उच्च न्यायालय, बी है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, सी है उड़ीसा उच्च न्यायालय, डी केरल उच्च न्यायालय। तो जो सही आंसर है वो है इसका ए मणिपुर उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है? ये है 2.5%, बी है 3.5%, सी है 4%, डी है 4.5%। जो सही आंसर है वो है दोस्तों ये 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की एक गुफा में मानव द्वारा इसकी का प्रमाण प्राप्त हुआ है जो 10 से 30,000 वर्ष पुरानी है और मानव द्वारा इसकी का प्राचीनतम प्रमाण है? ये इटली, बी फ्रांस, सी चीन या डी आइसलैंड। तो जो सही आंसर है वो है चीन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष मिशन ने सूर्य पर सबसे शक्तिशाली सौर चुंबकीय क्षेत्र को मापा गया है?
किस अंतरिक्ष मिशन से सूर्य पर सबसे शक्तिशाली सौर चुंबकीय क्षेत्र को मापा गया है? ऑप्शन ए है रोसेटा, बी है फाल्कन, सी है किनोदे, डी है कैपलर। तो जो सही आंसर है वह है सी किनोदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेदार मैन जो खबरों में रहा है क्या है? ये है प्रथम आधुनिक ब्रिटेन, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, सी ऑप्शन है आधुनिक भारत का प्राचीनतम प्रमाण, या डी ऑप्शन है आर्कटिक का खाना बदोश मनुष्य बदोश। का सही आंसर है वो है दोस्तों ये प्रथम आधुनिक ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता योजना के तहत प्रतिवर्ष बीटेक एमटेक छात्रों को कितने फेलोशिप प्रदान किए जाएंगे? ऑप्शन इसके ये 500, बी 1000, सी 1500 या डी 2000। तो जो सही आंसर है वो है बी 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंडु एवं हेमा जातियों के बीच हिंसा की खबर हाल ही में समाचार पत्रों में छपी थी, इसका संबंध किस देश से है? ऑप्शन ये है युगांडा, बी रवांडा, सी कांगो या डी सोमालिया। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी कांगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय शीतल ओबराय कमेटी का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? यह है अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान हेतु, तो बी है महादाई नदी विवाद समाधान हेतु, तो सी है सशस्त्र बलों का आधुनिकरण, डी है फिल्म सेंसरशिप कानून की समीक्षा हेतु। तो सही आंसर है वो है सी सशस्त्र बलों का आधुनिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय कैबिनेट ने फरवरी 2018 में किस देश के साथ सेकोंडमेंट कार्यक्रम समझौता यानी अन्यत्र अस्थायी नियुक्ति कार्यक्रम को मंजूरी दी? अन्यत्र अस्थायी नियुक्ति कार्यक्रम को मंजूरी दी। ऑप्शन है इसमें ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, बी इजराइल के साथ, सी ऑस्ट्रेलिया के साथ या डी फ्रांस के साथ। जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया के साथ सी। इसके ऑप्शन है इसका प्रक्षेपण अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा किया गया। ऑप्शन बी है इस मिशन के साथ टेस्ला रोड स्टार भी है जो कि एक कार है। ऑप्शन सी है इसके प्रक्षेपण में 27 इंजन लगे जिसका नाम मर्लिन है। पृथ्वी में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन इसके ये एक और दो सही है, बी 2 और 3, सी 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। तो उसका सही आंसर है वो है दोस्तों बी केवल 2 और 3। इसका स्पेस एक्स द्वारा किया गया, इसका प्रक्षेपण जो है प्रक्षेपण स्पेस एक्स द्वारा किया गया। ऑप्शन भी सही है, 2 और 3 सही है, लेकिन इसमें इसमें थोड़ी इसकी व्याख्या की है कि इसका जो प्रक्षेपण है वो स्पेस एक्स द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में वहां के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार के विरुद्ध निर्णय आदेश के पश्चात वहां के मुख्य न्यायाधीश को हिरासत में ले लिया गया? ये पाकिस्तान, बी इंडोनेशिया, सी मालदीव या डी थाईलैंड। तो जो सही आंसर है वो है दोस्तों सी मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण कोरिया के प्योंगयांग में आयोजित होने वाला शीतकालीन ओलंपिक की तैयारी कैंप में किस वायरस के संक्रमण के पश्चात 1200 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को वापस बुला लिया गया? ये रोटा वायरस, बी नोरो वायरस, सी किस्टोलाकर, डी माइड्रम। तो जो सही आंसर है वो है बी नोरो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु सक्षम इस्कंदर मिसाइल जिसकी तैनाती बैलिस्टिक सागर में की गई है किस देश की है? ये ईरान, बी यूएसए, सी रूस या डी इजराइल। तो जैसे ही आंसर है उसका वह है सी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक खाद व गौमूत्र उपलब्ध कराने हेतु किस राज्य सरकार ने 5 फरवरी 2018 को गोवर्धन योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन इसके ये हैं छत्तीसगढ़, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। जो सही आंसर है वो है बी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस नदी के किनारे की अपशिष्ट संयंत्रों के गैर कानूनी संचालन को नियंत्रित कर पाने में असफल होने के लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? इसके ऑप्शन है ये गंगा नदी जो कानपुर में है के सामने जो है जो कानपुर से बहती है, बी जो राप्ता नदी, सी रामगंगा नदी और डी यमुना नदी। तो जो सही आंसर है उसका है वो है रामगंगा मुरादाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश में देसी नस्लों के संरक्षण हेतु 2 नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, ये दोनों सेंटर कहाँ स्थित हैं? एक करनाल और कोची में, बी चिंतल देवी और इटारसी में, सी चिंतल देवी और कोची में, डी करनाल और इटारसी में। सही आंसर है वो है बी चिंतल देवी और इटारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसगुल्ला के लिए GI टैग को किस को लेकर कौन से 2 राज्य संघर्षरत हैं?
ये बिहार उत्तर प्रदेश, बी बिहार पश्चिम बंगाल, सी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, डी डी ऑप्शन जो है उड़ीसा व उत्तर प्रदेश। तो जो सही आंसर है वह है दोस्तों सी पश्चिम बंगाल व उड़ीसा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको जो हम भी अपलोड करते हैं वो आपको मिल जाए और आपका जो है आप उसका फ़ायदा उठा के कहीं सफलता आपको मिले। धन्यवाद।